पे तो हमने मेट्रो ली थी, तो मेट्रो से हम सीधा अपने जो गंतव्य स्थान तक पहुंच गए थे JW मैरिट में। वहां से निकल उतर के हम तो उसी दिन तो क्या हुआ था, जो अपना आधा दिन बचा है उसको खराब मत कीजिए, बेड में मत लेट जाइए, उनकी सफ़ेद सफ़ेद चादरों में मंत्रमुग्ध मत हो जाइए। आप घूमने गए हैं, आपको पैर तोड़वाने ही हैं वहाँ पे, ठीक है। दुबई रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, फर्स्ट टाइम जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद तो चलो खैर जो भी है सो है, तो आपको आप भागिए वहाँ पे, इधर उधर देखिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली वहाँ पे। और आपको शॉपिंग के लिए क्या करना है, आपको जो आधा दिन बचा है उसको शॉपिंग पे डाल दीजिए, क्योंकि एक तो हम वैसे थके होते हैं, ठीक है, आधे आधे उजड़े आधे कुजड़े होते हैं हम, ठीक है। जो हमारे साथ लेडीज़ होती हैं उनका वैसे ही पूरा सौंदर्य ढल चुका होता है, और हम भी थोड़े थक चुके होते हैं, तो आप इंजॉय वैसे भी नहीं कर पाओगे अगर कहीं पे चले भी गए अट्रैक्शन देखने के लिए, ठीक है। तो ट्रैवल थोड़ा वो रहता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या तो अपने सराउंडिंग घूमने के लिए, वो तो छोड़ ही दो, फालतू का टाइम खराब करोगे। आप जाइए शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग की कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको आईफोन, सबको आईफोन तो लेना ही होता है, एप्पल प्रोडक्ट तो सभी को लेने हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास कैश कम पड़ जाता है, कि हम इधर उधर उड़ा देते हैं अपने शॉपिंग में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, बट हाँ है शॉपिंग में फ़ायदा तो है वहाँ पे, ठीक है, करने का। तो आप पहले दिन जाइए, अपनी कुछ आधी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं, अगर जो ब्लॉगिंग करते हैं वो अपना सामान सारा लेके वहाँ से उसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए अपने ब्लॉग में, ठीक है। या फिर अपने ब्लॉग में ही आपको अगर पिक्चर्स लेनी है तो उसमें ले लीजिए, ठीक है। आपको और टाइम बचता है तो आप गोल्ड सुक में चले जाइए, वहाँ से भी जाके एक राउंड ऑफ शॉपिंग मोटी मोटी कर लीजिए, ठीक है, आप जितनी कर सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि क्या बात होती है कि लास्ट में जाके बड़ा हौच-पौच हो जाएगा, और दुबई गए और शॉपिंग नहीं की तो आपने दुबई के साथ विश्वासघात किया है और अपने साथ भी किया है। तो वहाँ पे जाके शॉपिंग जरूर कीजिए, पैसे बचाइए कैब से और शॉपिंग में। जब पहुँचे वहाँ पे तो हाथ मुँह धो के हम उसके बाद बरदुबई निकल गए। बरदुबई क्या है, वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक किंग मार्केट है, उसमें कपल ऑफ शॉप्स हैं जहाँ पे, जो कि आपने ब्लॉग्स में देख ही ली होगी, ड्रीम सिटी है, सिटी चॉइस है, यूरो जोन है। तो जो मैंने शॉपिंग की थी वो सिटी चॉइस से की थी, काफ़ी फेमस है सुना है, और अगर आप जाएंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको क्यों वहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए। बहुत ही रश रहता है भाई साहब, बहुत रश रहता है, वो बंदा जैसे फ्री में बांट रहा है, बहुत डीलिंग उसकी, अकरम भाई की डीलिंग, चलो खैर पैसे दे रहे हैं तो वो भी डीलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। बट वहाँ पे आपको एक टिप देता हूँ, आपको जो भी लेना है स्ट्रेट अवे कलर वेरियंट के साथ जाइए, सीधा उनके मुंह पे बोलिए ये चाहिए, ठीक है। उनसे एक स्लिप पे लिखवा लीजिए, आपको जो जो भी चाहिए उनको बोलो कि प्राइसेस के ऊपर लिख दो, अकरम भाई मिले तो उनको चिकड़ी चुपड़ी बातें कर दो और उनको बोलो कि थोड़ा कम करवा दो, वो 20-20 दिन दराम कम करवा देंगे आपसे, और ले लो, ज़्यादा उनके साथ टाइम वेस्ट मत करो, वो कम नहीं करने वाले, बिना अकरम भाई के तो वो 1 दिराम कम नहीं करने वाले। तो आप वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना, आपको जो वेरिएंट चाहिए, जो जिस भी मोबाइल का, लैपटॉप का, कुछ भी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे आपने यहाँ के जैसे नहीं होगा कि ये टूटेगा तो नहीं, इसका वो खराब, वो आंसर नहीं करेंगे, देन यू विल फील कि वो बहुत रूड है, ये है, अपना काम करिए और निकलिए, अदरवाइज आपके 3-4 घंटे खराब हो जाएंगे वहाँ पे। और कैश लेके जाइए, कार्ड ट्रांजेक्शन मत कीजिएगा, 2.5% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ट्रांजेक्शन के ऊपर। हाँ, आप USD भी लेके जा सकते हैं और दिराम भी लेके जा सकते हैं, गोल्ड सुक जा सकते हैं, गोल्ड सुक में जाके, ठीक है, गोल्ड सुक में भी हाँ, अगर आपको ऑथेंटिसिटी का इशू है, वहाँ पे बहुत ही रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जो आपको मिलेगा वो बिल के साथ मिलेगा। रेपुटेटिव शॉप से लीजिए, जैसे हमने गोल्ड हाउस से लिया था, उनके डिज़ाइन बहुत ही अच्छे होते हैं, बट उनके मेकिंग चार्जेस जितने इंडिया के मेकिंग चार्जेस उतने ही हैं, बट हाँ आपको गोल्ड प्राइस थोड़ा कम मिलेगा, पर डिज़ाइन आपको ऐसे मिलेंगे जो भी इंडिया में नहीं मिलेंगे। आप मेकिंग चार्जेस के ऊपर बार्गेन कर सकते हैं तो बार्गेन जरूर कीजिए, गली चटकुना जरूर खिला रही है हमारी पूपी का बेटा तो है नहीं वो, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको खरीदना है कुछ मोटा मोटा सोना, मोटा मोटा सोना बोले तो कि जिसमें डिज़ाइन, जैसे चेन होती है उसमें क्या ही डिज़ाइन, या कड़ा होता है या ब्रेसलेट होता है ना, जिसमें हमने सोना एज ए इन्वेस्टमेंट लेना है, ठीक है, उसमें जीरो मेकिंग चार्जेस होते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, प्योरिटी है, लोग आइए और स्ट्रेट अवे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, वो भी बहुत, फिर आप बोलोगे रूड है, वैसे है ही तो रूड ही, तो बट अपने को तो लेके निकल जाना है ना वहाँ से। बात करते हैं, ठीक है, वैट रिफंड की, वैट रिफंड कहाँ पे करना है, ठीक है। तो आपका जो बिल होगा उसके ऊपर अगर QR कोड प्लैनेट टैक्स का अगर नहीं बनाया तो नहीं होगा ऑथराइज, आप जो शॉप्स हैं वहीं से शॉपिंग कीजिए और बिल जरूर लीजिए, बिल अपने साथ में जरूर रखना, और जितने भी बिल आप करोगे ना उसके पीछे प्लैनेट टैक्स का स्टिकर लगा होना चाहिए, या स्टिकर नहीं, आजकल QR कोड ही आता है उसके ऊपर, तो आप अपना वैट जो है वो रिफंड करवा सकते हैं।
एयरपोर्ट के ऊपर जाके, वो कैसे करवाना है मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, अपने बिल्स सारे संभाल के रखना, ठीक है। आपको हर चीज़ पे 5% वैट लगने वाला है, तो आपको 4.5 या 4.4% वापस आ जाता है। तो जो 0.6 या 0.5% जितना भी रहता है, वो उनकी प्रोसेसिंग फीस रहती है, वो उतना काट लेते हैं उसमें से। बट आपको 4.5 वापस मिल जाएगा अगर आप 3-4 लाख की शॉपिंग करते हैं, तो इट मैटर्स अलॉट, ठीक है। इसमें आपको वैट रिफंड होगा। अगर आपको कस्टम में कोई पूछ भी लेता है, तो वो बिल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग करते हैं आप, अगर आपके यूज़ के लिए हैं, तो उनको बॉक्सेस में निकाल के अपना ऑब्सेशन बॉक्सेस के लिए मत दिखाइए, उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। इन केस अगर चेकिंग होगी, तो वो पूछेंगे कि ये बॉक्सेस कहाँ से हैं। अगर आपके परमिटेड वॉल्यूम से ज़्यादा अगर आपके पास डिवाइसेस होंगे, तो आपको उसके ऊपर ड्यूटी भरनी पड़ेगी, और फालतू का उसी वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। बॉक्सेस अपने साइड पे रख लीजिए, डिवाइसेस अपने पास में रख लीजिए, कोई नहीं पूछने वाला कितना कहाँ पे है। बोले हैं मैं साथ में लेके आया था, साथ में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड का जो बात है कि गोल्ड को, हाँ गोल्ड को अपना गोल्ड मैं तो रेकमेंड करूंगा कि मत पहन के जाइए यहाँ से। गोल्ड पता लगा अपने गोल्ड में फंस के, आपने वहाँ वाले गोल्ड पे भी टैक्स लगवा लिया अपने, ठीक है। अब वैसे भी नहीं पहन के जाना चाहिए कि वहाँ पे जाएंगे तो गिर गिरा जाएगा इधर उधर से, तो कस्टम वालों की आंख में ना आने के लिए तो मत पहनिए, ठीक है। वहाँ से जो लेके आते हैं, आपके पास बिल होगा ही, ठीक है। तो आपकी जो वैट रिफंड होगा, एयरपोर्ट जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे काउंटर रहता है, बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो वहाँ पे आपको दिखानी है बिल्स, दिखाने हैं बिल्स के रिस्पेक्टिव, आपको आइटम्स दिखानी है कि कौन कौन सी आइटम्स हैं आपकी। तो बॉक्सेस हैं तो बॉक्सेस रख लेना तो साथ में, बट वहाँ पे बाद में फेंक देना उसको, चाहे ऐसे कर लेना, जैसी आपकी मर्जी होगी, ठीक है। उसके हिसाब से उनको दिखाने पड़ेंगे। तो वो क्या करेंगे, आपका जितना भी 4.6 या 4.7 जितना भी वैट रिफंड बनता है, तो वो पूछेंगे कि आपको आपको ट्रांसफ़र करवाने हैं कि आपको अभी के अभी कैश चाहिए, तो उनको बोला ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। यहाँ वहाँ पर जो कन्वर्जन रेट है बहुत ही ज़्यादा कम होगा, तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ट्रांसफ़र में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में पैसे आ जाते हैं, मुझे तो आ गए थे, अब बाकी उनका पता नहीं। बहुत ही ध्यान से अपना अकाउंट नंबर दीजिए, आप डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर भी, बैंक अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं, कोई भी उनको डिटेल्स बहुत ही ध्यान से लिख के देना। तो अगर लिख के आपने दे दिए, तो आपको डेफिनेटली आ जाएंगे पैसे, कहीं पे फंसने नहीं वाले आपके, ठीक है। तो आप ट्रांसफ़र करवा लेना, तो आपको जो कन्वर्जन रेट होगा जो चल रहा है उसके हिसाब से ही पैसे आएंगे। तो उसके बाद जो गोल्ड का जो हमारा टैक्स क्लेम होता है, वो होता है अंदर जाके होता है, एक्सपेंसिव आइटम है शायद इसीलिए, तो वो राइट साइड पे होगा। वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं, बॉक्सेस आपने जो ज्वेलरी है वो पास में रखनी है, तो वो आप बिल देखेंगे, वो आप देखेंगे कि आपने क्या लिया है बस, ठीक है। उसको आपको डिटेल भरनी है फॉर्म के ऊपर वहाँ पे, तो उनको सबमिट करवा देना है। तो वो बॉक्सेस को बहुत ध्यान से अपने बैग में रख लीजिए उसके बाद, और अपना जो हैंड बैग है उसी में रखना, इधर उधर चेक इन वाले में मत रख लेना, बाद में गुम घुमा गया तो इश्यू हो जाएगा उसमें। तो जो भी बात आ जाती है कि अट्रैक्शंस हम कहाँ से बुक करवाएं, अट्रैक्शंस क्या है वहाँ पे घूमने की जगह, घूमने की जगह क्या हो सकती है। फ्यूजन म्यूजियम है जो कि डाउनटाउन में है, वहाँ पे एक ग्रीन प्लैनेट करके बहुत ही अच्छा बनाया है उन्होंने, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसा, एक बार जाके आप क्विकली, आपके अगर बच्चे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ पे। काफ़ी एग्जॉटिक एनिमल्स उन्होंने रखे हुए हैं, द थिंग इज़ कि उनको फ्री छोड़ा हुआ है, इट्स नॉट लाइक अ जू, तो फ्रेम है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी अट्रैक्शंस है, तो इनकी टिकट्स कहाँ पे मिलेगी, जाके लेनी है कि पहले लेनी है? डेफिनेटली आपको पहले लेनी है, जाके नहीं लेनी है। जाके लेने का चक्कर ऐसा है कि आपको पहले लाइन में लगना पड़ेगा उसके, फिर जब टिकट लेंगे तो उसके बाद एंट्री की लाइन होती है, फिर उसमें लगना पड़ेगा। हाँ, कुछ में होता है कि जैसे दुबई फ्रेम है, उसमें आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बट इट्स बेटर कि आप पहले ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ऑफर्स हैं। मैं बताता हूँ कि ऑफर्स कैसे उठाने हैं आपको, बिकॉज क्योंकि अट्रैक्शन के ऊपर रेयरली आपको ऑफर्स मिलेंगे। तो मैंने कहाँ से बुक किया था, मैंने एक वेबसाइट थी क्लूक, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमारी हैसियत भी नहीं है पेड प्रमोशन करने की, बट ठीक है, तो क्लूक वालों कर देते हैं, अच्छे थे तो हम कर ही देते हैं। तो दूसरा था हेड आउट, हेड आउट से मैंने ये किया था, स्काई डाइविंग बुक की थी, और क्लूक से की थी मैंने अट्रैक्शन। तो क्लूक की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको पैकेजेस मिलते हैं, क्या होते हैं कि वो एक ग्रुप में आपको पूरा का पूरा देंगे। फॉर एग्जांपल कि आपको जैसे दुबई फ्रेम, फ्यूजन म्यूजियम और ग्रीन प्लैनेट का ऑल टुगेदर मिला के उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आपको 9,000 का पड़ेगा। अगर आप अकेला अकेला लेने जाएंगे तो आपको 30 से 40% का डिफरेंस पड़ सकता है, 20 से 30 भी पड़ सकता है, ठीक है, बट आपको महंगा ही पड़ेगा उसमें।
तो इसमें क्या होता है कि आप ऑल टुगेदर जब लेते हैं तो उसके बाद आप बुक कर दीजिए, तो पे कर दीजिए, उसके बाद आपको जो टिकट्स हैं एक एक करके आ जाती हैं आपके पास। लेट मत होइएगा, अगर अदरवाइज आपको एंट्री नहीं देंगे, जिस टाइम पे जिस डेट की है तो उस डेट की ही एंट्री मिलेगी। बट डू चेकआउट क्लूक का बिफोर बुकिंग एनी अट्रैक्शन। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले बुक करके जाइए, ठीक है? तो क्लू का आप कर सकते हैं। अगर जो स्काई डाइवर्स हैं, स्काई डाइविंग करना चाहते हैं, स्काई डाइविंग कीजिए, बहुत ही अच्छी है, ठीक है? तो आप अगर स्काई डाइविंग उनकी वेबसाइट से भी जाके कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको डिस्काउंट थोड़ा नहीं मिलने वाला, हेड आउट से कीजिए। हेड आउट पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट, मामूली सा डिस्काउंट मिल जाएगा, थोड़ा से पैसे बच सकते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। तो वहाँ पे क्रूज़ बुक करवा सकते हैं दुबई में, पाम जुमेरा में। एक डिनर क्रूज होता है, उसका खाना तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा होता है, बट हाँ थोड़ा व्यू देखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो वो क्रूज़ भी आप इन्हीं अट्रैक्शन के पैकेज में किसी में बुक करवा सकते हैं। जैसे डेजर्ट सवारी हो गया, डेजर्ट सवारी भी ये पैकेजेस में बुक हो जाता है, कि जैसे 6 अट्रैक्शन, 10 अट्रैक्शन, 3 अट्रैक्शन ऐसे करके बुक हो जाती हैं। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप चाहे अकेले अकेले कैलकुलेट भी कर सकते हैं दुबई टूरिज्म की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे अट्रैक्शन के प्राइसेस हैं, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए और उसको ऐड अप करके देख लीजिए कितना हो रहा है, क्लोक से कितना मिल रहा है आपको, कूपन्स ढूंढ लीजिए। अट्रैक्शंस बुक करवाने के लिए, जैसे कि मैंने बोला था, क्लूक एंड हेड आउट दो वेबसाइट है जो मैंने यूज़ की थी। तो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ इसके ऊपर आपको। तो अभी ये जो क्लूक वेबसाइट है, इसमें से आपको क्या जितने भी दुबई के पैकेजेस हैं अट्रैक्शंस के, वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जिस भी कंट्री में जाना है, किस भी सिटी में जाना है, आप वहाँ पे एंटर कीजिए, तो वहाँ के जितने भी अट्रैक्शन डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी नीचे आएंगी। नॉट इवन अट्रैक्शन डिटेल्स, जैसे कि क्रूज की बुकिंग होगी, म्यूजियम्स, आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि जैसे आपको अट्रैक्शन पास चाहिए कि जू या थीम पार्क, यू नो नीड टू स्क्रोल डाउन। आपको जाना है वाटर पार्क में जाना है, अगर वाटर पार्क पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वाटर पार्क के हिसाब से वहाँ पे, जैसे अटलांटिस में वाटर पार्क बहुत ही अच्छा है उनका, तो ये अंदर ही है, ये एक एक्वेरियम टाइप है, बहुत ही अच्छा है। इंस्टेड ऑफ आप दुबई एक्वेरियम जाएं, आप लॉस चैम्बर के एक्वेरियम में जाना। दुबई एक्वेरियम में बहुत ही पैसे बर्बाद है, वो बहुत ही छोटा है, एक तो वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, तो उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप अगर आपको एक्वेरियम में जाना है तो आप लॉस चैम्बर के एक्वेरियम में जा सकते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पे आ गया, अभी जू पे मैंने क्लिक किया था, तो अभी दुबई एक्वेरियम अंडर वाटर जू, अंडर वाटर जू का कुछ नहीं है, बस वहाँ पे वो रखे हुए हैं अपने पेंगुइन्स रखे हुए हैं थोड़े बहुत, वो उसकी एडिशनल टिकट होती है वो आपको लेनी पड़ती है वहाँ पे, बट ये इतना वर्थ है भी नहीं जाने के लिए। तो आप जो स्टार्ट होता है, तो जो हमने ली थी, हमने ये मेगा यॉट ली थी, तो काफी अच्छा था। खाना बहुत एवरेज होता है, खाने से आप इतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बट आप बाकी एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमें तो कॉम्प्लीमेंट्री वीआईपी अपग्रेड दे दिया था उन्होंने, मैं भी हैरान था कौन सा समय था, तो डर डर के मैंने निकाला वहां पे टाइम। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। पाम जो मैरा में जा रहे हैं तो आप यॉट का और लॉस चैम्बर और एक्वेरियम एंड वहाँ पे इबन बतूता मॉल है पास में, वो सभी का आप एक साथ में ही, बुर्ज अल अरब के पास में बीच है बहुत ही अच्छा वहाँ पे, और बुर्ज अल अरब का टूर भी है, यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। लोग पास की बात की थी ना आपसे कि जैसे आप क्लब कर सकते हैं, तो बुर्ज खलीफा का एक ले लेता हूँ, ठीक है, कि स्टैंडर्ड है और ये कॉम्बो डील्स है, ठीक है। कॉम्बो डील्स में क्या होगा कि बुर्ज खलीफा आ जाएगा, आपका आईएमजी वर्ल्ड आ जाएगा, दुबई फ्रेम की टिकट आ जाएगी। तो इसमें ये जितना भी कॉम्बो है, ये आपको 32% का आपको इसमें सेविंग हो जाएगी, ठीक है। कि जितना भी आपके, जैसे ये एक एक करके ना, यहाँ से बुर्ज खलीफा है, आपको किस दिन जाना है बुर्ज खलीफा के लिए, तो ये नहीं है कि आप उसी दिन का ही सब हो जाएगा आपका बुक। जैसे ये मैंने 9 अप्रैल का कर लिया कि आपको टाइमिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 9:30 जाना है, और आईएमजी वर्ल्ड के लिए मुझे 6 अप्रैल नहीं, मुझे 10 अप्रैल के लिए जाना है, दुबई फ्रेम के लिए मुझे 7 अप्रैल जाना है। तो आप इस तरह से करके आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, तो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। और यहाँ पे डिस्काउंट का थोड़ा है कि हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा,
आप जैसे अबू धाबी का है, पूरे यूएई का जितने भी यहाँ होता है ना, शारजा हो गया या अबू धाबी हो गया, आसपास के जितने भी अट्रैक्शंस है सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब क्लूक पास अबू धाबी का है जैसे 14,000 का, आपको यहाँ पे 9,000 का मिल रहा है। तो इसमें वो आपके नीचे आपको पूरी ऑप्शंस देंगे कि क्या क्या है उस चीज में। एक स्टैंडर्ड होता है और एक प्रीमियम होता है, ठीक है। अब जैसे अब स्टैंडर्ड में बोलूं कि 2 अट्रैक्शन पास चाहिए, 3 अट्रैक्शन के, 4 अट्रैक्शन चाहिए आपको, ठीक है। 4 अट्रैक्शंस में आएगा कि आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी 4 अट्रैक्शन आपको चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे कि ये 22 आउट ऑफ दिस 22 अट्रैक्शंस, तो आप 4 अट्रैक्शन चूज कर सकते हैं। अभी प्रीमियम में क्या होता है कि जैसे कुछ अट्रैक्शंस के थोड़े जो प्राइसेस होते हैं ज्यादा होते हैं, तो प्रीमियम अट्रैक्शंस होंगी। 2 अट्रैक्शंस आ रही थी ना, तो जैसे हम यहाँ पे आ गए ना, अभी 26 हो गई, ठीक है। अब 20 आउट ऑफ 26 आप 4 अट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अब जो इन्होंने एडिशनल अट्रैक्शन डाल दी है वो काफी, जैसे ये बोल दिया ना इन्होंने कि ये प्रीमियम में आता है, ये प्रीमियम में है, तो ऐसे जैसे अब मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ उसमें से, तो आप अगर प्रीमियम भी चूज कर लेंगे तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो उस हिसाब से आपको चूज करना है इसमें से। अगर आप, मैं जैसे डालता हूँ ना इसमें, तो ये सारे का सारा बता देता है आपको। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो, तो आपको जाना भी है अलग बात है, जो कि महंगी भी है, तो आप उस हिसाब से उसको करना कि पैकेज के अंदर जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो वो जो सस्ती है वो चाहे आप अलग से करवा सकते हैं, क्योंकि महंगी ही अट्रैक्शन इसके अंदर बुक करने का आपको फायदा होगा ज्यादा। तो अगर सस्ती सस्ती कर लेंगे तो आपका वो पूरा पैकेज जो बजट है उसी का ही नहीं पूरा हो पाएगा। तो उस हिसाब से आप क्लूक से कर सकते हैं, आप एक बार देख सकते हैं। और हमारी जैसे डेजर्ट सफारी रह गई थी, तो किसी तरह तो मैंने इनको फिर मेल किया कि ऐसा कुछ हुआ था, तो इन्होंने मेरा, क्योंकि मेरा पैकेज के अंदर ही था, 3 अट्रैक्शंस थी, तो इन्होंने फिर मुझे हाफ ऑफ द अमाउंट रिफंड कर दिया था। मुझे काफी कमिटमेंट इनकी काफी अच्छी लगी। तो सेकेंड टाइम मैंने बोला था, वो तो वो बोला था मैंने हेड आउट, तो मुझे उस टाइम पे क्लूक में से स्काई डाइविंग का नहीं मिल रहा था ऑप्शन, तो इसीलिए उन्हें हेड आउट से करवाई थी। तो हेड आउट में अगर आप यहाँ पे जाते हैं कि कौन सी सिटी में अगर आपको जाना है, तो जैसे मैंने पहले सर्च करके रखा हो तो मुझे ऑप्शन आ गया, नहीं तो आप दुबई सेलेक्ट कीजिए, देखते हैं कि कहाँ पे ऑप्शन आता है, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो यहाँ पे यू आर रिसेंटली चेकआउट में आ रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसमें है। तो नीचे अगर आप पाते हैं तो दुबई स्काई डाइव ऑप्शन देता है कि आपको कहाँ पे करना है, आपको डेजर्ट में करना है कि आपको पाम ड्रॉप जोन में करना है। पाम ड्रॉप जोन है जो आपका पाम जो मैरा के ऊपर, ये आपको स्काई डाइव करवाएंगे। तो ये जो आपको, आपने काफी ऑप्शन देखे होंगे कि यहाँ पे 25 लोगों ने डाली हुई है वो है। तो आपकी एक और जो गायरोकॉप्टर रहता है, तो इसमें कुछ नहीं है, वही आपका एक चलाने वाला आगे बैठ जाएगा, आप पीछे बैठ जाओगे और थोड़ा वो घुमा देगा आपको ऊपर से। और ये भी थोड़ा फन होता है जिसको कुछ ज्यादा एडवेंचर नहीं करना है, तो एटलीस्ट आप अपने सीनियर सिटीजन हैं साथ में, आप उनके लिए चूज कर सकते हैं, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा ये। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये मुझे करना है, तो ये 58,952 दिखा रहा है। तो अगर आप समर्स में जाओगे तो उसमें कभी कभार काफी कम होते हैं प्राइसेस, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो उसके हिसाब से हमें अवेलेबिलिटी भी चेक करनी है, कभी कभार नहीं भी होता है अवेलेबल। तो उसके हिसाब से अभी देखना है कि स्काई डाइविंग विद द प्रीमियम ट्रांसफर, ये तो कभी जिंदगी में मत करना, अननेसेसरी आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका डायरेक्टली है कि आप मेट्रो से जा सकते हैं, तो वहां से आपको ट्रैम लेनी पड़ेगी अंदर तक जाने के लिए, तो नहीं तो आप वहां से कैब भी कर सकते हैं, कैब भी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद आपको टाइम जरूर सिलेक्ट करना है कि कौन से टाइम पे आपको ये करनी है, तो आप लेट मत होना। आपका स्लॉट अगर मिस हो गया तो फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो मैंने 10 AM सेलेक्ट किया, तो आप नेक्स्ट करते हैं जब, तो आपको सारी की सारी अपनी डिटेल्स भरनी है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू आपका वेट कितना है ये सब। तो डेफिनेटली प्रोमो कोड जरूर चेक कीजिए जब आप साइन अप करेंगे हेडआउट के लिए। तो कोई भी फेस्टिवल आता है तो इनके प्रोमो कोड रहते हैं, तो वैसे भी चेक कर लेना गूगल पे, तो वो आप अप्लाई करना। तो मुझे तब आई थिंक कोई मिल गया, तो आपको हल्का फुल्का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कंफर्म एंड पे करना है।
तो आप ये सब स्काई डाइविंग की वेबसाइट पे जाके भी करवा सकते हैं, बट हाँ बस वही बात है कि यहाँ से आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। स्कोप होता है, मिले या ना मिले तो वो तो डिपेंड करता है प्रोमो कोड के ऊपर, कभी कभार ऑफर्स भी होते हैं, बस ये इतना ही सिंपल है। तो इसके हेड आउट के अंदर भी आप काफ़ी अट्रैक्शंस बुक करवा सकते हैं, तो आप कंपेयर कर लेना क्लूक और इसमें कि आपको कहाँ से सस्ता मिल रहा है। तो मुझे सस्ता मिला डजन मीन कि हमेशा ही आपको भी सस्ता मिले वहाँ से, कभी कभार अकॉर्डिंग टू द ऑफर्स उसमें होता है कि यहाँ कभी कभार हेड आउट में ज़्यादा होते हैं, कभी कभार उस पर होते हैं। तो आप ऑल टुगेदर जितनी भी आपकी अट्रैक्शन है यहाँ पे कंपेयर करके तो आप बुक करवा सकते हैं अपने डेट के अकॉर्डिंग। तो बस यही था अट्रैक्शन बुक। गए थे ग्रीन प्लैनेट में, जो कि वही डाउनटाउन के पास में ही है। उसमें वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसी वाइब आती है, सारे थोड़ा आर्टिफिशियल रेन भी होती है, थोड़ा थंडरस्टॉर्म इफेक्ट भी देते हैं, काफ़ी पक्षी ये जानवर है। तो काफ़ी क्विकली आप 2-3 घंटे में थोड़ा रिलैक्स करके वहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं फ्यूचर म्यूजियम में। फ्यूचर म्यूजियम की टिकट स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि सबसे पहले लेके रखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती हैं और एंट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगती है। तो अगर आप पहले फ्यूचर म्यूजियम जा सकते हैं तो पहले फ्यूचर म्यूजियम हुआ ना जाके, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो उसमें फ्यूचर म्यूजियम से अगर आप फ्री हो जाते हैं तो आप दुबई, क्योंकि ये सारी की सारी अट्रैक्शन एक ही लाइन में है, सो यू कैन रैप अप इन अ वन गो। कभी भी ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में हॉप मत करना कि आप पाम जुमेरा जा रहे हैं फिर उसके बाद आप। सो इसी वे में अगर आप एक दिन में जा रहे हैं तो आपका ये सारा डाउनटाउन के स्ट्रेच टिल बरदुबई वाला सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आप जब पाम जुमेरा की तरफ जा रहे हैं तो पाम जुमेरा की तरफ जैसे आपका क्रूज हो गया वहाँ पे, वाटर पार्क हो गया वहाँ पे, तो लॉस्ट चैम्बर अगर जा रहे हैं तो वो सारा आप एक बार में ही कवर कर सकते हैं। स्काई डाइविंग जो है आप एक बार में कवर कर सकते हैं, तो वो सारा एरिया आपका एक दिन में हो जाएगा। तो गए थे दुबई मॉल घूमा था हमने, फिर उसके बाद बुर्ज खलीफा और ये सब देखा। तो डेजर्ट सफारी थी जो कि हमारी मिस हो गई थी, बुर्ज खलीफा में ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। तो भी अच्छी चीज़ है वहाँ पे, जो कि ओल्ड सू खलसीब के नाम से है, जो कि आपको दिन में भी घूमना है और रात में भी घूमना है। दिन में रात में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 4 बजे चले जाइए वहाँ पे, तो आपको दिन का भी वहाँ का व्यू मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा लेक है कि पता नहीं क्या है वो, कुछ तो है तो उसके पास में है बना हुआ, तो ओल्ड दुबई जैसा है, बहुत ही प्यारा है। दिन में देखने का अलग मज़ा है, रात में देखने का अलग मज़ा है। वहाँ से सुविनियर्स और ये सब पक्का वहाँ से ले सकते हैं। मैं थोड़े लेने भूल गया था, कि भूल नहीं गया था, मुझे लगा शायद कि ग्लोबल विलेज से मिल जाएंगे। आप ओल्ड सुख जा रहे हैं तो वहाँ पे स्पाइस सुख भी है, सुख सुख ज़्यादा नहीं, सुख हाँ, तो वहाँ पे स्पाइस सुख भी है। स्पाइस सुख में जाके हाँ जरूर स्पाइसेस लीजिए। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे भैया थे तो जिन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स भी दी, हमने बाद में पीठ में छुरा घूम के हमने स्पाइसेस ली भी नहीं उनसे, बट हाँ मुझे काफ़ी दुख हुआ कि हमने नहीं ली, पता नहीं क्यों नहीं ली। तो हाँ आप काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, स्पाइसेस वहाँ पे ऑथेंटिक हैं। कुछ कोई बड़ी सी शॉप देख लीजिए जहाँ पे ज़्यादा रश है, तो वहाँ से आप अच्छी सी स्पाइसेस, जैसे बात है ना कि जैसे वैनिला स्टिक्स हो गया, ऊद हो गया, ऊद की खुशबू आपको वहाँ पे तो इतनी नहीं होगी जब आप वापस आएंगे, और फिर 2-3 महीने के बाद जब फिर आपके अंदर से मचलेगा कि हाँ दुबई जाना था, उस ऊद को जलाएंगे तो आपको फिर और मचल आपकी अगन में बदल जाएगी, हाँ मुझे दुबई जाना है। अच्छी एक्जॉटिक स्पाइसेस मिलती हैं, आई एम नॉट श्योर कि उसको क्या करते हैं, काला गुलाब किसको देंगे, अपनी एक्स को दे देना चाहे सूखा काला गुलाब, तो काला नींबू है पता नहीं उसका भी क्या करते हैं। अगर हाँ अगर किसी को है कि ऐसी होती है तो आपको दुनिया जहान की वहाँ से स्पाइसेस मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और स्पाइस सूक है वो ओल्ड सूक के बहुत पास में है, जहाँ से फेरी चलती है उनकी, तो फेरी कुछ नहीं है, 2 ग्राम लेते हैं वो। आप अपना जो आपके पास मेट्रो कार्ड होगा ही तो वहीं उसके फेरी के ऊपर ही टैप कर देना, तो उसमें 2 ग्राम कट जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप वो माजी जी आपको उधर ले जाएंगे, पार ले जाएंगे वहाँ से ओरसू, तो वहाँ से आपको फिर बस भी मिल सकती है। अलसीप में घूम लिया है, ओरसू में घूम लिया है, रात को वहाँ पे आप डिनर कर सकते हैं। वहाँ पे भी छोटे छोटे क्रूजेज होते हैं, बड़े सस्ते होते हैं, रात को आपको डिस्काउंट भी देना स्टार्ट कर देंगे वो, आपको अगर बार्गिन करना है तो बार्गिन कर लीजिए, तो आराम से आपको सस्ते में निपट जाएगा, खाना खा के आप वापस आ सकते हैं। तो आपको हमारा ग्लोबल विलेज जाने का भी प्लान था फिर उसके बाद, तो
ग्लोबल विलेज जो है कि वो 4 बजे खुलता है, तो उससे पहले आई थिंक गर्मी होती है इसलिए नहीं खुलता। तो विलेज में कुछ नहीं होता कि पूरी दुनिया जहाँ के काउंटर्स लगे होते हैं, वहाँ की चीज़ें बेच रहे होते हैं वो, तो आप खरीदना है तो खरीद सकते हैं, काफ़ी अल्ट्रा एक्सपेंसिव होते हैं। तो वहाँ पे एक तो शॉपिंग करने के लिए वहाँ पे एक आउटलेट मॉल है जो कि काफ़ी आउटस्कर्ट्स में पड़ जाता है, बट इट्स वर्थ टू गो, मैं जा नहीं पाया था वहाँ पे। तो कंपैरेटिवली दुबई मॉल से, डोंट थिंक कि दुबई मॉल से आपको कोई शॉपिंग हो पाएगी, वहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा। हाँ, जो तो बिग शॉट है वो तो कर सकते हैं, ठीक है अपना। अगर आपको 2-3 मॉल्स हैं जिसमें आपको बहुत हैवी डिस्काउंट्स, एक तो इबन बतूता है, इबन बतूता बहुत देखने वाला, बहुत मीनाकारी वाला एक मॉल है, तो जो इबन बतूता अंकल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, आउटलेट मॉल में जा सकते हैं, और एक मरीना मॉल है करके जहाँ पे आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि अपना शॉपिंग का एक दिन स्पेयर करके रखना, और रिकमेंड कि आप कैश में ही वहाँ पे ट्रांजेक्शन करना, कि कभी कभार कार्ड नहीं भी चलता है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM तो आपको याद है ही। क्वेश्चंस, कुछ क्वेरी होगी डू कमेंट, अगर कुछ अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना, कोई और किसी की वीडियो चाहिए होगी वो भी डाल देना, कि मेरे दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ का भी डाल देना नीचे, तो वहाँ पे मैं ट्रेवल करके मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपके पास कुछ अच्छा डिटेल्स है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो बाकियों के लिए हेल्प हो जाएगी, मैं पिन कर दूंगा आपका कमेंट। और सार था हमारी दुबई की ट्रिप का, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरी, कुछ रह गई हो तो मैं बहुत ही प्रोएक्टिवली रिप्लाई कर देता हूँ, तो आपको जितनी भी डिटेल चाहिए होगी सारी प्रोवाइड कर दूंगा। सब्सक्राइब कर सकते हो, कर देना। अगर आप वही सब्सक्राइबर हो जो कि छोड़ के चले गए हो तो दोबारा से सब्सक्राइब कर आप दोबारा से सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कौन सा कहाँ पे ब्लॉग होगा पता नहीं, बट कुछ एक्साइटिंग ही लेके आऊँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे आपको। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।